आ, प्रभु ने जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार गुजार हूँ दस आज्ञाओं में ये दस आज्ञाओं का ये चौदहवा क्लास है इसमें छह क्लासेस मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब में जाकर जॉनसन सी फिलिप या शास्त्री जे सी फिलिप टाइप करने पर आपको मिल जाएगा कोई परेशानी नहीं है आ, हिंदी बाइबल स्टडी जॉनसन सी फिलिप देखेंगे तो तुरंत वो मेरे मेरे लगभग 300 के करीब वीडियोस हैं जिसमें मेरा अनुमान है कि 200 या 250 हिंदी में है वो सब आपको दिख जाएंगे ये तो हुई पहली बात दूसरी बात मैंने पिछले हफ्ते याद दिलाया था कि आ, मसीही जगत में पिछले दो सालों में बहुत सारी चीजें करप्ट हो गई हैं भ्रष्ट हो गई हैं जिनमें से एक है हमारी भाषा और मैंने ये बताया था कि पिछले हफ्ते कहा था कि हर हफ्ते एक या दो मिनट में उसके बारे में बताया करूँगा हिंदी में पवित्र बाइबल का अनुवाद किया था अंग्रेजों ने अंग्रेजों की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें सामाजिक मर्यादाएं नहीं है मेरे ये भाई रणजीत की जो असेंबली है ग्वालियर की असेंबली में हमारे इस जो सीनियर एल्डर थे उनकी वाइफ जब भी अपने पति के बारे में बोलती थी तो वो हमेशा कहती थी ये आए ये ले आए और ये कह रहे थे कभी उन्होंने अपने पति को नाम से नहीं पुकारा है लेकिन अंग्रेज की बीबी जो है यदि जॉर्ज की बीबी है तो सीधे सीधे जॉर्ज और यदि थॉमस की बीबी है तो थॉमस कह के संबोधित करती है भारत भारत में जो सामाजिक मर्यादाएं हैं ये मर्यादाएं उनके समाज में नहीं है इसका परिणाम क्या हुआ कि उन लोगों ने जब अंग्रेजी का अंग्रेजों ने जब पवित्र बाइबल का अनुवाद हिंदी में किया तो परमेश्वर के प्रति हमारी जो मर्यादाएं हैं उसको भूल गए और इस कारण परमेश्वर को तू तड़ाक और तुमसे बात करते हैं हम लोग गवाही देते हैं मेरा यीशु आया मेरा यीशु बोला मुझे अभी भी याद है ग्वालियर में हम मैं यूनिवर्सिटी में जब अनुसंधान कर रहा था तब दोपहर को चाय पीते समय ग्वालियर के नगर सेठ मिस्टर खेतान आर के खेतान ने मुझे एक बार टोक दिया कि अरे तुम ईसाई लोग अपने भगवानों को इज्जत देना नहीं जानते मैं मुझे तो ऐसा लगा जैसे सरेआम मुझे नंगा कर दिया हो मैंने उनसे पूछा कि मिस्टर खेतान मैंने ईश्वरों के बारे में या प्रभु यीशु के बारे में जब भी आपसे बात की है मैंने इज्जत दी है या नहीं दी है तो वो बोले तुम इज्जत देते हैं लेकिन तुम ईसाई लोग अपने भगवानों को इज्जत देना नहीं जानते ये आज दूसरी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं जब हम प्रभु यीशु के बारे में बात करते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा अनुवाद किए गए बाइबल में जिस तरह से तू तड़ाक से परमेश्वर के बारे में बातचीत होती है ये हमें छोड़ना पड़ेगा परमेश्वर बोला यीशु बोला यीशु कहने लगा यीशु मेरे दिल में आया यीशु मेरे साथ रहता है हिंदी में कभी इस तरह से अरे अपने बाप के बारे में बात नहीं करते और आप परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं अपने पति के बारे में कोई स्त्री इस तरह की भाषा उपयोग नहीं करती हम परमेश्वर के लिए उपयोग करते हैं तो यहां जितने भाई बहन हैं सबसे मेरा अनुरोध है कि जरा अपनी भाषा को जांचें और परमेश्वर के लिए आदर सूचक शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दें उसके बाद हम आते हैं दस आज्ञाओं पे दस आज्ञाओं में से हमने तुम व्यभिचार ना करना आज्ञा का अध्ययन किया था आप में से कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी मुझे लिखा कि उस वो जो दो क्लासेस मैंने लिए थे उनसे आपको बहुत बहुत बातें सीखने को मिली दरअसल हमारा ये समूह समूह है जिसमें बच्चे भी बैठे हुए हैं इस कारण मैं उस विषय पर खुलकर नहीं बोल पाया ना ही खुल के बोल सकता हूँ लेकिन आज अगले अगली आज्ञा को देखने के पहले इशारे इशारों में मैं दो चार बातें आपको बता के फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ इसलिए कि विषय कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन सामाजिक मर्यादाओं को मन में रखकर मैंने बहुत सारी बातें जो हमारे जूनियर्स बैठे हुए हैं उनके कारण वो बातें नहीं बताई मैं आप लोगों से लगभग डेढ़ हजार किलोमीटर दूर हूं लेकिन इसके बावजूद प्रतिदिन कम से कम दो बार दैनिक भास्कर पढ़ता हूं दैनिक भास्कर इसलिए पढ़ता हूं कि मैं मध्य प्रदेश की मिट्टी से जुड़ा हुआ हूं, वो भी चंबल की मिट्टी से जुड़ा हूं, और इस कारण वहां क्या हो रहा है ये जानने की जिज्ञासा है लेकिन चाहे सुबह आप दैनिक भास्कर खोल लें या शाम को खोल लें खबरें बदलती रहती हैं। एक चीज जो मेरे मन को बहुत त्रस्त करती है वो ये है कि हर दिन समाज और अधिक अश्लील होता चला जा रहा है बहुत अधिक अश्लील होता चला जा रहा है हर जगह की शिकायतें आ रही हैं, बलात्कार की शिकायतें आ रही हैं, पंद्रह पंद्रह सोलह सोलह साल की लड़कियां घर से भाग रही हैं अपने प्रेमी के साथ शादीशुदा स्त्रियां अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ जा रही हैं, शादीशुदा पुरुष अपनी पत्नियों को छोड़कर प्रेमिकाओं को घर लाके बसा रहे हैं कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है जब भी हम समाज की मर्यादाओं और समाज की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं मनुष्य जो बोता है वही काटेगा या काटता है यहां मैं सिर्फ सामाजिक मर्यादाओं की बात कर रहा हूं क्योंकि दैनिक भास्कर वगैरह में जो खबर है वो जस्ट समाज के बारे में मसीही समाज के बारे में नहीं है समाज की मर्यादाओं को ये लोग लंघन करते हैं उसका परिणाम क्या है कि इस तरह से भागने भगाने और इस तरह से अपने पति पत्नी को छोड़कर प्रेमी प्रेमिका के साथ रहने की जो घटनाएं हैं इनमें से ज्यादातर घटनाएं इन दिनों हत्या में बदल रही हैं। स्त्रियां अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए अपने पतियों की हत्या कर रही हैं। पुरुष अपनी प्रेमिका के साथ जीने के लिए अपने पत्नियों की हत्या कर रहे हैं यहाँ पर भी कहानी खत्म नहीं होती है इसके बाद जब वे अवैध रूप से रहने लगते हैं और कोई बात पसंद नहीं आई तो अपने साथी को से हत्या कर देते हैं समाज बहुत कलुषित हो गया है आप कहेंगे कि जॉनसन ब्रदर हम तो मसीही लोग हैं हम बच गए ऐसा नहीं है मसीही युवा और युवतियों को के मन में इन दिनों जो जो कुछ गुजर रहा है वो समाज में जो गंदगी है उससे बिल्कुल अलग नहीं है माँ बाप को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो हमारे बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है और हमारी बच्चे हमारे बच्चे समाज में जो गंदगी है जो नैतिक गंदगी है उसकी गिरफ्त में जा रहे हैं मैं अक्सर मसीही युवा और युवती लोगों लोग फेसबुक पर क्या पोस्ट करते हैं इसको देखा करता हूं नियमित रूप से देखा करता हूं दो कारण हैं एक मसीही जगत में क्या हो रहा है ये जानने के लिए नंबर दो हमारे युवा भाई और बहन लोग कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं आप में से कई लोगों को मालूम है मेरी आदत है यदि मैं किसी भी ब्रदरन युवा युवती को गलत रास्ते पर जाते देखता हूं तो तुरंत टोक देता हूं जरूरत पड़ने पर डांट देता हूं और कई बार बुला के भी जो है अच्छी तरह से डांट देता हूं मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि इन दिनों माध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में हमारे युवा लोग जो पोस्ट करते हैं उसको श्लील नहीं कहा जा सकता लगभग अश्लील है और जब प्रभु का वचन कहता है कि तू व्यभिचार ना करना तो उसका मतलब ही यह है कि अश्लील जो चीजें हैं उससे दूर रहना लेकिन हम लोग अश्लीलता को बिल्कुल एकदम से ग्रहण किए हुए हैं जैसे कि वो हमारे जीवन का एक अंग है दो चार बातें भले ही आपके बच्चे बैठे हों क्योंकि ये बच्चे सब स्कूल में ये बातें सुनेंगे मैं और बताने के बाद आगे बढ़ना चाहता हूं हिंदी में अश्लील साहित्य की बाढ़ आ गई है और इस अश्लील साहित्य के बाढ़ के कारण आजकल स्थिति यह हो गई है कि आपसी संबंध भी तार तार हो रहे हैं इन अश्लील साहित्यों में अपनी बहन अपनी मां अपनी मौसी अपनी भाभी आदि को लक्ष्य बनाया जाता है आपने आप में से काफी सारे लोग एमपी इलाके के हैं जिसके उत्तर में भोजपुर इलाका है हिंदी में भोजपुरी गाने अश्लीलता के लिए जाने जाते हैं आपको ताजुब हो गया यदि किसी से पूछो कि भोजपुरी गाने सुनते हो किसी सभी व्यक्ति से यदि पूछा जाए कि भोजपुरी गाने सुनते हो तो यदि वो भोजपुरी गानों के बारे में जानता हो तो उसका ऐसा लगेगा जैसे उसका अपमान कर रहे हैं क्योंकि हिंदी में भोजपुरी हिंदी की एक बोली है ये मैं याद दिला दूं और भोजपुरी गाने जो कहे जाते हैं वो जनरली हिंदी में ही लिखे जाते हैं ये इतने अश्लील होते हैं कि सुनने वाले के कान सनसना जाए ये क्यों हो रहा है और क्यों हमारी बोली में तमाम तरह के अश्लील प्रयोग आ रहे हैं इसका एकमात्र कारण यह है कि प्रभु के वचन में जब प्रभु का वचन कहता है कि तू वे विचार ना करना हम उसको भूल गए हैं खासकर हब्बकूक में जो आज्ञा है कि किसी गैर व्यक्ति को नशा करवा के उसकी नग्नता देखने के लिए तो कभी कोशिश ना करना हम सब एक ऐसे सिस्टम में है जहां हमारा पैसा जिस तरह से एक फनल है बड़े मुंह वाले फनल में डाला जा रहा है और सब एक साथ धारा के समान बहता है उस तरह से हम में से बहुत सारे लोग जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा लोगों की नग्नता को प्रदर्शित करने के लिए या अनावरत करने के लिए यूज किया जा रहा है इस कारण जाने या अनजाने हम में से काफी सारे लोग इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं कि तू ये विचार ना करना इसके बाद निर्गमन की पुस्तक बीसवें अध्याय के पंद्रहवें पद में हम आते हैं निर्गमन बीस का पंद्रह जो कहता है तू चोरी ना करना आप लोग फिर से कहेंगे कि जॉनसन ब्रदर बच गए चोरी तो चोर करते हैं मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूं कभी चोरी चपाटी नहीं करता पहली बात चोर चोरी करते हैं लेकिन प्रभु का वचन चोरी की परिभाषा किस तरह से करता है इसको समझना जरूरी है प्रभु के वचन के अनुसार जिस चीज पर हमारा हक नहीं है उस चीज को यदि हम ले लेते हैं तो वो चोरी है उसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी व्यक्ति को जो देना चाहिए यदि हम देने से रोक देते हैं तो वो चोरी है तू चोरी न करना आज्ञा का विस्तार प्रभु के वचन में हमको बहुत जगह मिलता है जैसा मैंने आपको इसके पहले कई बार याद दिलाया था प्रभु के वचन में जो छोटी छोटी आज्ञाएं मिलती हैं उनके बारे में कभी ये ना सोचें कि बस सिर्फ वो आज्ञा है और तीन शब्द तू चोरी ना करना चार शब्दों में एक आज्ञा प्रभु के वचन में दे दी और चार शब्दों में एक आज्ञा दे दी तो बस वो सी आज्ञा है ऐसा नहीं है प्रभु के वचन में चाहे चार शब्द में आज्ञा दी हो या चालीस शब्द में आज्ञा दी हो प्रभु के वचन की आज्ञा आज्ञा है इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें तू चोरी ना करना का विस्तार प्रभु ने प्रभु के वचन में कई जगह दिया है इसका एक उदाहरण यदि दिया जाए तो पुराने नियम में ही ये आज्ञा है कि तुम मजदूर की मजदूरी मत मारना उसका हक मत मारना यदि तू मजदूर की मजदूरी नहीं देता और यदि वो मुझसे दोहाई दे तो मैं उसका बदला दूंगा तो मजदूर की मजदूरी ना देना भी जो पैसा उसको मिलना चाहिए उसकी चोरी है और प्रभु आपके विरुद्ध एक चोर के समान ही एक्शन लेते हैं तो चोरी की परिभाषा प्रभु के वचन में काफी व्यापक है यहां से हम आगे बढ़े जिस समय प्रभु ने ये आज्ञा दी थी आज से साढ़े तीन हजार साल पहले उस समय समाज आज की तुलना में बहुत सरल समाज था जनसंख्या कम थी लोगों का की जो संस्कृति थी वो बहुत सरल संस्कृति थी ऐसे समाज में चोरी के तरीके काफी कम होते थे लेकिन आज 21वीं शताब्दी में हम जिस समाज में जी रहे हैं यहाँ समाज बहुत जटिल हो चुका है और इस जटिल समाज में तमाम तरह से चोरियां की जा सकती हैं बल्कि अब हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ अपराध इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि एक ही अपराध में चोरी हत्या सब कुछ आ सकता है और हमें इन सब चीजों से सब चीजों को समझकर उससे दूर रहना सीखना होगा तो मैं कुछ उदाहरण आपको दू हम जब बाजार जाते हैं मान के चलें कि एक स्टील की अलमारी खरीदनी है स्टील की अलमारी खरीदने गए तो दुकानदार आपको अलमारियां दिखाता है चार हजार की अलमारी है छह हजार की है दस की है पच्चीस की है आपको शायद दस हजार वाली या छह हजार वाली अलमारी पसंद आए तो पूछते हैं आपकी गारंटी कितना कितने समय के लिए देंगे दुकानदार कहता है कि साल भर की गारंटी है कुछ भी हो मेरे पास आ जाना इतना ही नहीं इसमें कभी भी कोई परेशानी ना हो परेशानी हो और गारंटी पीरियड हो खत्म हो जाए तो अभी मेरे पास आ जाना मैंने ही अलमारी आपको बेची है इसको फिक्स करना मेरी जिम्मेदारी है आप दस हजार रुपया उसको दे देते हैं और कहते हैं कि एक काम करो भैया हमने अलमारी तुमसे खरीदी है इसके प्रमाण के रूप में वो रसीद दे दो तो दुकानदार कहता है कि रसीद दूं तो दस हजार रुपए की अलमारी के ऊपर आपको डेढ़ हजार रुपए टैक्स देना पड़ेगा जीएसटी देना पड़ेगा जो भी है अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट हैं। तो तुरंत आप कहते हैं कि नहीं भैया पक्की रसीद नहीं चाहिए कच्ची रसीद दे दो मतलब पक्की रसीद तो वो है जिसके ऊपर सारी खान कानूनी खाना पूरी करनी पड़ती है कच्ची रसीद वो है जो दुकानदार एक पन्ने पे लिख के आपको दे देता है तुरंत कह देते हैं लोग कि भैया पक्की नहीं कच्ची रसीद दे दो आपने क्या किया दस हजार ग्यारह हजार आठ सौ रुपये में जिस चीज का रसीद बनना है वो आपने दस हजार रुपये में वो चीज खरीद ली आपको लगता है कि हम तो बड़े श्याने हैं आज तो अठारह सौ रुपए हमने बचा लिए लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये पैसा सरकार को जाना चाहिए था और सरकार को ये पैसा मिले सरकार से दुकानदार चोरी करने को कह रहा है और हमने चोरी की बाकायदा करते हैं या नहीं करते हैं मैं अक्सर दुकानों में जाता हूँ यहाँ एर्नाकुलम में और किराना वगैरह जब ख़रीदते हैं तब तो कोई रसीद नहीं देता है किराने की दुकानों पे नहीं चलता क्योंकि वो लोग जीएसटी देते हैं लेकिन उसके अलावा कोई चीज़ आप ख़रीदें मान लीजिए आप एक हेडफोन खरीदते हैं एक मोबाइल खरीदते हैं या इवन दवा की दुकान में जाकर दवाई खरीदते हैं तो वो लोग पहले पूछ लेते हैं यहां कि आपको रसीद चाहिए या नहीं चाहिए रसीद चाहिए का मतलब यह है भैया टैक्स सहित बनाओ रसीद नहीं चाहिए का मतलब यह है कि भैया तुम भी टैक्स की चोरी करो हम भी टैक्स की चोरी करेंगे तो जब समाज इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है तो चोरी के तरीके भी बहुत बढ़ गए हैं ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और उसका रिजल्ट क्या है कि हम में से कई लोग जाने अनजाने चोरी करते हैं अनजाने भी करते हैं मैं बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं करता अनजाने करते हैं लेकिन एक बार जब चेता दिया जाता है तो उसके बाद चोरी नहीं करनी चाहिए मुझे अभी भी याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल और कॉलेज वगैरह में पढ़ता था तो हम लोग अक्सर लोगों को रिसीव करने के लिए और छोड़ने के लिए स्टेशन पे जाते थे रेलवे स्टेशन पर ये नियम है कि प्लेटफॉर्म पर जाते समय आपको प्लेटफॉर्म टिकट खरीद लेना चाहिए लेकिन मैं जिस शहर में था उस शहर में सामान्यतः कोई भी टिकट नहीं खरीदता था, था। मेरी मंडली के मुझसे बुजुर्ग लोगों के साथ जब हम लोग स्टेशन में जाते थे और जैसे ही प्लेटफॉर्म टिकट की बात होती तो वो लोग मना कर देते थे मेरी ट्रेनिंग इस तरह से हुई थी शादी के बाद एक बार जब मैं इस तरह से प्लेटफॉर्म पर गया तो वाइफ ने टोका टाकी की कि वो तो कानून है और हमें उसका पालन करना चाहिए उस समय तो मुझे लगा कि एक ऐसी विचित्र बात कर रही है हमारे मेरे बुजुर्ग लोग यहाँ जाते हैं तब भी टिकट नहीं लेते हैं लेकिन उन्होंने जो कहा था जो टोका टाकी की थी उसका असर हुआ मैंने सोचा दैट मीन्स उस विषय पर मनन करने के बाद एक बात समझ में आई कि दूसरे लोग कुछ भी करते रहें मुझे आगे ये काम नहीं करना है उसके बाद कभी भी मैं बिना प्लेटफॉर्म टिकट के प्लेटफॉर्म पर नहीं गया मैंने प्लेटफॉर्म टिकट का उदाहरण इसलिए दिया कि जिस समय स्टेशनों पर कड़ाई नहीं होती है तब हमारी इच्छा होती है काहे को सरकार को पांच रुपया दो या दस रुपया दो ये सोचने का गलत तरीका है सही तरीका यह है कि जब सरकार ने नियम बनाया है कि प्लेटफॉर्म टिकट के लिए इतना पैसा देना है और प्लेटफॉर्म टिकट लेके ही प्लेटफॉर्म पर जाना है तो यदि हम प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेते हैं तो हम सरकार से पैसा चोरी कर रहे हैं यह हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए सामान खरीदते समय यदि टैक्स नहीं देते प्लेटफॉर्म पर जाते समय यदि प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेते तो हम चोरी कर रहे हैं और मैं उसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूं ईमानदारी से जीवन बिताना बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल काम है बहुत महंगा भी है बहुत महंगा काम है क्योंकि समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पैसा बचाया जा सकता है लेकिन अच्छी चीज को डिस्काउंट पर खरीदने के बदले किसी चीज को टैक्स चोरी करके हम यदि खरीदते हैं तो वो चोरी है इस अंतर को हम अच्छी तरह से समझें आज मैंने इतना डिटेल इसलिए बताया कि जिस समय आज्ञाएं दी गई थी आज से साढ़े तीन हजार साल पहले तब की तुलना में समाज बहुत जटिल हो चुका है कॉम्प्लेक्स हो चुका है समाज में हर सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका होता है कि कई बार ये समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है कहाँ चोरी कर रहे हैं कहाँ चोरी नहीं कर रहे हैं इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ प्लेटफॉर्म टिकट का तो जिंदगी भर मेरे साथ झगड़ा टंटा रहा क्योंकि कई बार मैं जब यूनिवर्सिटी में था तब कई बार हम लोग किसी को रिसीव करने के लिए जाते या किसी को सी ऑफ करने के लिए जाते और जब मैं प्लेटफॉर्म टिकट की तरफ लपकता था तो मेरे साथ ही प्रोफेसर कहते थे कि जॉनसन यदि तुम्हारे पास फेंकने के लिए इतने पैसे हो तो वो हमको दे दो तो चोरी को वो लोग पैसा फेंकने के रूप में इंटरप्रेट करके या व्याख्या करके चोरी की गंभीरता को कम कर रहे हैं वही मैं कह रहा था कि समाज में इक्कीसवीं शताब्दी शताब्दी के समाज में जीवन बहुत जटिल हो गया है हर काम इतना जटिल या कॉम्प्लेक्स हो गया है कि सही क्या है गलत क्या है कई बार समझ में आना भी मुश्किल हो जाता है और जो गलत कार्य है उसके लिए लोगों ने इस तरह के शब्द ढूंढ निकाले हैं जिसके द्वारा गलती को छुपाया जाता है मेरे अभिन्न मित्र एक थे यूनिवर्सिटी में जिनसे आज भी मेरा पत्र व्यवहार है आज भी हम एक दूसरे को बुलाते हैं वो तो हमेशा टोकते थे कि तुम्हारे पास बहुत फालतू पैसा है सरकार को देने के लिए मुझे क्यों नहीं देते थे तो जब जब प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में जब आप दस बार ऐसा सुनेंगे तब सोच बदलने लगेगी कि हाँ काहे को फालतू सरकार को दिया जाए लेकिन उसको सही रीति से हम नहीं सोच पाते सही रीति से सोचें तो वो ये है कि सरकार को जो देना है वो नहीं दोगे तो वो चोरी है प्रभु यीशु ने इसके बारे में कहा भी था जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो कहा किसी और संदर्भ में था लेकिन उसका मतलब ये वाकई में ये था कि जिसको जो देना है वो दो और यदि नहीं दोगे तो वो चोरी है तो हमने प्लेटफॉर्म टिकट से स्टार्ट किया और बाजार में जाके चीजें खरीदते हैं उससे स्टार्ट किया लेकिन यहाँ समाप्त नहीं होता है हम में से बहुत सारे लोग कंप्यूटर यूज करते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए तमाम तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए हम में से आज जो लोग सुन रहे हैं इनमें से जितने लोग कंप्यूटर यूज करते हैं मेरा अनुमान है कि लगभग सभी लोग विंडोज का उपयोग करते हैं पता नहीं यहाँ कोई प्रोग्रामर है क्या जो लिनक्स का उपयोग करता है क्योंकि लिनक्स फ्री होता है विंडोज फ्री नहीं है मैंने अपना पहला कंप्यूटर खरीदा था 1990 सौ 1990 में जब पहला कंप्यूटर खरीदा था तब से मैं इस बात से जूझ रहा हूं कि कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए विंडोज से पहले डॉस नाम का सॉफ्टवेयर आता था उसके बाद आया विंडोज़ और तब से विंडोज ही विंडोज हर जगह हम देखते हैं आपको मालूम है क्या कि एक कंप्यूटर पर विंडोज इंस्टॉल करने के लिए लगभग आठ से दस हजार रुपए की जरूरत पड़ती है क्यों आप पूछेंगे हमारा कंप्यूटर वाला तो फ्री फ्री फंड में इंस्टॉल कर गया यही तो मैं कह रहा हूं कि आज इक्कीसवीं शताब्दी में चोरी की परिभाषा इतनी जटिल हो गई है और चोरियां भी इतनी जटिल हो गई है कि कई बार हम उस बात को समझ नहीं पाते कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडोज नाम का जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसे माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी बनाती है वो कंपनी एक कंप्यूटर के लिए विंडोज आठ हजार से दस हजार रुपए का बेचती है जिसका मतलब यह है कि जब आप एक कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके साथ साथ आठ हजार या दस हजार खर्च करके आपको विंडोज खरीद लेना खरीद लेनी चाहिए You should buy. आपका कंप्यूटर वाला उसे फ्री फंड में इंस्टॉल कर गया ये जवाब नहीं है क्यों इसलिए कि विंडोज में यह व्यवस्था रहती है कि उसको सिर्फ एक कंप्यूटर पर ही इंस्टॉल किया जा सकता है एक कंप्यूटर पर करने के बाद आप उस सीडी से दूसरे कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे तो मना कर देगा तो आप पूछेंगे कि कंप्यूटर वाला कैसे करता है कंप्यूटर के क्षेत्र में इस तरह के लोग हैं जो सॉफ्टवेयर की चोरी चपाटी में उस्ताद हैं वे लोग उस सॉफ्टवेयर में जो प्रतिबंध है उनको तोड़ देते हैं जिस तरह से चोर ताले को काट देता है या तोड़ देता है उस तरह से ये लोग विंडोज में जो प्रतिबंध है उसको तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद ये लोग उसको कंप्यूटर वालों को बेच देते हैं और तब वो जो चोरी का माल है वो चाहे कितने भी चाहे कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर देता है लेकिन याद रखें फ्री फंड में उसने जो इंस्टॉल किया है ये चोरी का माल है और इवन दुनिया उसको चोरी का माल मानती है इस तरह से ताला तोड़ जो सॉफ्टवेयर है उसको दुनिया एक नाम देती है आप जानते हैं क्या ताला तोड़ सॉफ्टवेयर को दुनिया क्या नाम देती है उसको कहा जाता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर और जो असली सॉफ्टवेयर जो आप पैसा दे के रसीद लिखवा के अपने नाम से खरीदते हैं उसको कहते हैं लीगल सॉफ्टवेयर मतलब कानूनी सॉफ्टवेयर तो दुनिया में दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं तीन होते हैं एक जो फ्री सॉफ्टवेयर होता है वो अलग है उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे लेकिन विंडोज जैसी चीजें एक तरफ तो कानूनी आते हैं एक तरफ चोरी किए हुए आते हैं और अंग्रेजी में उसको कहा जाता है लीगल सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर पायरेट का मतलब होता है लुटेरा डाकू तो फ्री फंड में जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जा रहा है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है दुनिया उसको पायरेटेड कहती है दुनिया कहती है कि चोरी का माल है कितने मसीही लोग हैं जो अपने कंप्यूटर पर पायरेटेड सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इस बात को याद रखें वो भी चोरी है हम यदि कंप्यूटर यूज करना चाहें तो सिर्फ लीगल सॉफ्टवेयर यूज करें बहुत परेशानी लीगल सॉफ्टवेयर बहुत महंगा होता है आज मैं आपके सामने बैठकर जो बोल रहा हूं मुझे मालूम है हम लोग कितने आसानी से अपने कंप्यूटरों पर वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं कंप्यूटर वाले से कह दीजिए वो लाके पायरेटेड सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर देता है वो चोरी का माल है पिछले 26 साल से मेरा जो कंप्यूटर वाला है उससे रोज मेरा झगड़ा रट्टा होता रहता है जब भी मैं कोई नया कंप्यूटर खरीदता हूं तो उसके साथ यदि पुराना कंप्यूटर खराब हो गया तो वो उस मेरे पास जो लीगल कॉपी है उसे नए पर यूज कर सकते हैं लेकिन वो यदि किसी को दे दिया या बेच दिया तो उसके साथ वो पुरानी कॉपी भी देनी पड़ती है इसलिए मुझे नए कंप्यूटर के साथ नया विंडोज सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है कम से कम पचास बार वो मुझसे कह चुका है कि सर आप पागल हैं सच है जब हम बिना चोरी चपाटी समाज में जीवन बिताने की कोशिश करते हैं तो लोग हमको पागल समझेंगे अंदर ही अंदर वो हमारी इज्जत भी करेंगे ये बात मैं आपको बता दूं आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं इनमें से कई लोग कंप्यूटर यूज करते हैं और जितने लोग यूज करते हैं वे लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते हैं फूटी कौड़ी नहीं देते होंगे यदि यहाँ है कोई जो लीगल सॉफ्टवेयर यूज करता है तो मैं बाकायदा सबके सामने आपको सेल्यूट करता हूं मेरे लिए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए वो तो लाइफ लाइन है और आपको मालूम है कि हर महीने मुझे 410 रुपए उसके लिए देना पड़ता है आप चाहे तो साल भर के लिए एक साथ भी दे सकते हैं नहीं तो महीने महीने देना पड़ता है हर महीने 410 रुपए मेरे कटते हैं क्यों इसलिए कि लीगल सॉफ्टवेयर यूज करना है उसके अलावा तमाम तरह के सॉफ्टवेयर है मैं जो यूज करता हूँ वीडियो की एडिटिंग के लिए ऑडियो की एडिटिंग के लिए तमाम तरह के उसके अलावा डेटा बहुत भारी पड़ जाता है कंप्यूटर से भी महंगा पड़ जाता है मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि ब्रदर कहां से आएगा इतना पैसा सच है बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए मैं जाके उठाई गिरी कर रहा हूं कहाँ से खिलाऊंगा बच्चों को बिना उठाई गिरी इस तरह से हम कोई पूछता है क्या हमने अपनी चोरी को ना जाए चोरी को जाए ठहराने के लिए पचास प्रकार के एक्सक्यूज बना रखे हैं तो ये तो हो गया कंप्यूटर की चोरी या सॉफ्टवेयर की चोरी इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं आप किसी भी बड़े शहर में बड़ा जो बाजार है उसमें निकल जाइए वहां पर आपको फुटपाथ पर किताबें मिल जाएंगी जो किताब किताब की दुकान में डेढ़ हजार रुपये का बिक रहा है या जो किताब बिक रही है वो फुटपाथ पे आपको चार सौ रुपये में दे देगा क्या अंतर है अंतर यह है कि फुटपाथ पर जो बिक रहा है या जो किताब बिक रही है वो पायरेटेड है आज इंडिया में पायरेशन चोरी चपाटी करने वाली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो सॉफ्टवेयर की चोरी करती है किताबों की चोरी करती है और भी बहुत सारे बातों की चोरी करती है हम में से किसी भी व्यक्ति को जान कर इनमें से किसी चीज में भाग नहीं लेना चाहिए तो जब प्रभु का वचन कहता है तू चोरी ना करना तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों एकदम से इंपल्स एकदम से आवेग में आकर यह ना कहे कि नहीं नहीं मैं तो चोरी नहीं करता कहने से पहले जरा अपनी आदतों को हम अच्छी तरह से जांच कर देख लें कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जाने या अनजाने अनजाने भी कई बार करते हैं क्योंकि जीवन इतना जटिल हो गया कि समझ में नहीं आता कि ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है या सही है जाने अनजाने चोरी तो नहीं कर रहे मान लीजिए सरकारी अस्पताल में हमारी माँ या चाची काम करती है चाची से बोला चाची वो फलानी दवा डॉक्टर ने लिख के दी है महंगी है और इस कारण आज अस्पताल में आते समय दो चार वहाँ से दो चार दवा की पत्तियां वहाँ से उठा लाना चाची ले आती हैं ये क्या है चोरी है क्योंकि सरकारी अस्पताल में जो दवा आई है वहाँ मरीजों को देने के लिए है ना कि मेरे आपकी चाची के लिए है कि वो उठा के घर ले जाए उसको उठा के घर लाती है तो वो उठाई गिरी है हाँ यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर यदि आपका दोस्त हो या जान पहचान वाला हो और उसके पास काफी सारे सैंपल पड़े हों तो वो सैंपल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के उपयोग के लिए देता है और डॉक्टर यदि उसको उठा के आपको फ्री फंड में दे दे तो वो चोरी नहीं है क्यों इसलिए कि डॉक्टर को सैम्पल में जो दवाएं मिली हैं वो उसका हक है वो उसकी संपत्ति हो चुकी है जैसे ही उसने ले लिया वो बात अलग है लेकिन आपकी चाची या आपकी मौसी या आपके चाचा यदि अस्पताल से दवा की पत्तियां खींच के ला रहे हैं दफ्तर से यदि पेंसिल और पेपर खींच के ला रहे हैं तो इसमें कोई श्यानेपन की बात नहीं है यह सरासर चोरी है जीवन इतना जटिल हो चुका है 21वीं शताब्दी में कि चोरी और धार्मिकता में अंतर समझ में नहीं आता है इस बात को हम अच्छी तरह से याद रखें मेरे साथ इस तरह के कई अनुभव होते रहते हैं एक बार मैंने अपने मित्र को अपनी गाड़ी हफ्ते भर के लिए दी कार हफ्ते भर के लिए दी हफ्ते भर के बाद जब गाड़ी आई तो मेरे एक सहकर्मी ने सब कुछ देख के बोला कि सर कुछ तो बदला है कुछ तो बदला है उसको भी एकदम से समझ में नहीं आया कि क्या बदला है हम दोनों एक लंबी यात्रा पे जा रहे थे आ, उसने कहा कि सर मैं गाना लगा लू क्या मुझे तो ड्राइविंग करते समय गाने से बड़ी तकलीफ होती है मैंने कहा बहुत सॉफ्टली चाहो तो लगा लो मुझे परेशान मत करना तो उसने जैसे ही कैसेट को कैसेट रिकॉर्डर में डाला तो वो उछल पड़ा अरे आपकी गाड़ी में तो ओरिजिनल जापानी टेप रिकॉर्डर था और अब यह तो डुप्लीकेट लगा हुआ है तब पता चला कि जो सज्जन मुझसे हफ्ते भर के लिए गाड़ी मांग के ले गए थे उन्होंने जो उसमें म्यूजिक सिस्टम था उससे मिलता जुलता फिट कर दिया था चोरी है ये मुझे इसलिए नहीं पता चला कि मैंने जब गाड़ी खरीदी थी सेकेंड हैंड तब से उसमें म्यूजिक सिस्टम था और मेरा म्यूजिक सिस्टम से उतना ही संबंध है जितना गधे का शास्त्रीय संगीत के साथ है तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चला हम तमाम तरह से चोरियां करते हैं आज से लगभग बाईस साल बाद बाईस साल पहले मैंने एक पुस्तक की रचना की उस पुस्तक को छापने के लिए एक पब्लिशर को दिया पब्लिशर ने डीटीपी करने के बाद प्रूफ मुझे दिया मैंने और मेरे फादर ने उसकी प्रूफ रीडिंग की वापस कर दिया उसके बाद वो पब्लिशर बोला अभी पैसे की कमी है वो है ये है एक छह सात साल में मैं, मैं विषय भूल गया इतना लिखता हूं कि एकाध पुस्तक भूल जाऊं तो उसमें कोई ताजुब नहीं है अंग्रेजी में वो पुस्तक जो है उसे रिलीज कर दिया था ये मैं मलयालम की बात कर रहा हूं पुस्तक की पांडुलिपि उस सज्जन को देने के एक बारह साल के बाद मैं उसी पब्लिशर की दुकान में गया तो जिस नाम की मेरी पुस्तक है उसी नाम की किताब नजर आई मुझे उस विषय में काफी दिलचस्पी है मुझे लगा अच्छा एक और किताब आ गई है इसको भी ले लेते हैं अपने काम आएगी ये किताब पुस्तक को लिया अलट पलट के देखा तो मेरी पुस्तक में जो अध्याय थे बिल्कुल वैसे ही अध्याय हैं ताजुब हुआ मैंने क्या किया कि उसमें एक इंट्रोडक्शन लिखा था उस इंट्रोडक्शन वो इंट्रोडक्शन इस बात को याद रखें कि वो इंट्रोडक्शन मेरा अपना इंट्रोडक्शन था उसको पढ़ा तो पता चला कि 12 साल पहले मैंने पब्लिशर को अपनी पुस्तक दी थी उसने अपने नाम से अपने स्वयं के नाम से उस किताब को पब्लिश कर दिया है चोरी मसीही पब्लिशर मसीही विश्वासी जो अपने आप को बहुत ऊंची हस्ती प्रदर्शित करता है आपको मालूम है क्या कि दूसरे के पुस्तक की चोरी हिंदुस्तान में बहुत भयानक अपराध है उसको रिपोर्ट करें तो इमीडिएटली गिरफ्तार हो जाता है वो एक मसीही भाई है मसीही पब्लिशर है इस कारण मैंने उसको गिरफ्तार करवाने की कोशिश नहीं की लेकिन जब कुछ साल के बाद मुलाकात हुई तब मैंने उसको बताया कि देखो तुमने मेरे पुस्तक की चोरी की है और तुम एक मसीही भाई हो मैं एक मसीही हूं विश्वासियों को एक दूसरे के विरुद्ध कोर्ट में जाना नहीं चाहिए इसलिए मैं केस नहीं दे रहा लेकिन मैं तुमको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से कुछ साल पहले एक और व्यक्ति ने तुमको कोर्ट में खींच लिया था एक पुस्तक के में मैं भी वही कर सकता था मैंने नहीं किया आइंदा इस पुस्तक को पब्लिश मत करना जितनी कॉपीज हैं उसको बिखने दो लेकिन ये बात तुम्हारे मन में रहे कि तुम चोर हो और मैं जानता हूं कि तुमने चोरी की है और मेरे पास प्रमाण है कि तुमने मेरी किताब चोरी है चोर ली है उस आदमी के मन में इतना डर बैठ गया कि पता नहीं उसके पास जितनी कॉपीज बची थी सब उसने जला दी या क्या करवा दी उसके बाद उसकी दुकान में गए तो वो किताब वहां नहीं मिली तो चोरी तेरे रूप अनेक हम में से हर व्यक्ति इस तरह की चीजों में पड़ जाता है आपका पड़ोसी आके आपसे कहता है कि देखो वो केबल टीवी जो है केबल हमारे घर में आ रहा है अपना बच्चा नंबर वन उस्ताद है उसने एक मशीन का आविष्कार किया है केबल उस मशीन में दे दो और उस मशीन से टैप करके अड़ोसी पड़ोसी सबको दे दो सबको फ्री फंड में केबल मिल जाएगा बस हम आपको इस तरह की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक काम करना है चार सौ रुपया महीना आप केबल वाले को देते हैं वही सर्विस हम आपको दे रहे हैं आप हमारे बच्चे को जेब खर्चे के रूप में पचास रुपया प्रति महीना दे दीजिए या सौ रुपया दे दीजिए तो विश्वासियों को लगता है कि कहाँ चार सौ रुपया महीना केबल कंपनी को देंगे बच्चे को पॉकेट मनी मिल जाएगी तो वो भी तर जाएगा और हम भी तर जाएंगे क्योंकि हमें साढ़े तीन सौ या साढ़े चार सौ रुपया प्रति महीने का फायदा हो रहा है ये भी चोरी है बिजली की चोरी विश्वासियों के परिवारों में बिजली की चोरी तो कई जगह होती है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और बिजली की चोरी के पचासों तरीके हैं और आपको कुछ नहीं करना होता है किसी एक जानकार व्यक्ति को बुला लीजिए वो सब कुछ कर देगा मुझे आज भी याद है जब मैंने ग्वालियर में एक मकान खरीदा था मैंने उन्नीस सौ नाइनटीन नाइनटी वन में एक मकान खरीदा था बहुत पहुंचे हुए फिजिक्स के अध्यापक थे जिनसे खरीदा था मकान अच्छा लगा ठीक लगा मेरे बजट के अनुसार था थोड़ा सा मोल भाव किया पांच हजार रुपये उन्होंने कीमत कम की एडवांस दे दिया और जब रजिस्ट्री करवाने की नौबत आई तो उन्होंने कान में कहा कि रजिस्ट्री वगैरह हो जाए मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं क्या रहस्य है मुझे छत पे ले गए तो छत पे एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ईंटों का जाल फैला हुआ था मैंने कहा छत पे ईंटों का जाल का है को? मास्टर साहब तो बोले कि तसल्ली रखिए तसल्ली रखिए मैं आपको बताता हूं उन्होंने मुझे एक जगह ले जाके बताया जहां पर खंबे से बिजली का कनेक्शन आता है वहां बहुत ही चालाकी से उन्होंने उस तार को छील कर बिजली का कनेक्शन ले लिया था अब उनके घर में दो कनेक्शन थे एक जो मीटर के द्वारा आता है जिससे वो लट्टू वगैरह चला लेते थे और एक जो मीटर से पहले टैप करके घर के अंदर ले आए थे जिससे मास्टर जिनको मिट्टी के तेल से बड़ी परेशानी होती थी और गैस खर्चा बहुत होता है कह के मास्टर ने सारा का सारा काम हीटर पे किया करती थी तो उन्होंने मुझे बताया कि सर देखिए इस तरह से हमने आपके लिए सुविधा कर रखी है मैं तो आसमान से गिरा मैंने कहा कि मास्टर साहब मकान हैंडओवर करने से पहले एक काम और कर दे जो तार आपने अलग से बिछाया है इसको वहां से निकाल के आपने ओरिजिनल जो कनेक्शन है उसको छीला था उसको जरा अच्छी तरह से टेपिंग कर दें क्योंकि मैं इस तरह से नहीं चोरी करना चाहता चोरी शब्द मैंने उनके सामने यूज़ नहीं किया लेकिन मैंने कहा कि मैं इस तरह से बिजली अतिरिक्त नहीं लेना चाहता उन्होंने कई बार मुझे समझाया कि देखिए सर मैं आपका फायदा करवा रहा हूं आपकी बीबी हीटर पर सब पकाएगी धुआं नहीं होगा गैस का खर्चा बचेगा और और भी बहुत सारे उन्होंने गुण गिनवाए मैंने कहा कि ठीक है मैं मानता हूं कि आप जो कह रहे हैं ये सारे गुण हैं, लेकिन मैं टैपिंग करना नहीं चाहता इस तरह से उन्होंने वो तार हटाया आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं इनमें से कई सारे लोग गांवों के निवासी हैं चंबल में तो किसी भी गांव में चले जाइए हुक आकड़ी जिसे बोलते हैं हुक डाल के लोग अपने घर में कनेक्शन ले लेते हैं और वहां हीटर क्या पूरी की पूरी फैक्ट्री चला लेते हैं फूटी कौड़ी सरकार को नहीं देते हैं मेरी बहन आज दोनों बहनें आई हैं उनमें दोनों में से जो बड़ी है आ, वो जिस घर में दिल्ली में रहती है मुझे अभी भी याद है जब वो मकान बन रहा था तब मैं गया था उसके बगल के मकानों में तो बड़े बड़े मोटे तार यो आंकड़ी डाल के बिजली ली जा रही थी तो मैंने सिस्टर से पूछा कि ये इतने मोटे मोटे तार उसने बताया कि वहां पर अंदर कुटीर उद्योग चल रहा है मतलब फैक्ट्री चला रहे हैं बिजली चोरी करके तो बिजली चोरी करके चाहे फैक्ट्री चला रहा हो या बिजली चोरी करके चाहे हम लट्टू चला रहे हो या बिजली चोरी करके हम कैलकुलेटर चार्ज कर रहे हो चोरी चोरी है प्रभु के सामने चोरी चोरी ही है आजकल नकली नोट काफी चलने लगे हैं नकली नोट के बारे में कानून यह है यदि आपके हाथ में नकली नोट आ जाता है तो तुरंत आपको आप उसको नष्ट कर दें। ये कानून है मैं ऐसे कई भाइयों को जानता हूं जिनके हाथ में नकली नोट आ जाए तो बड़े आराम से असली नोट के साथ मिक्स करके उसको फिर से चला देते हैं उनका आर्गुमेंट यह है कि मैं क्यों उल्लू का पटा हूं जो कि वो नुकसान सहूं हर तरह के अपराध करने वाले व्यक्ति के पास बहाने बहुत होते हैं और 20वीं शताब्दी तो बहानों की शताब्दी है जहां हम एक से एक बहाने बना लेते हैं याद रखें चोरी चोरी है झूठ झूठ है आज मैंने इतने उदाहरण क्यों दिए आप पूछेंगे उसका कारण है 20वीं शताब्दी में चोरी झूठ बोलना विचार करना हत्या करना ये सब इतनी जटिल बातें हो गई हैं कि जाने अनजाने हम में से हर व्यक्ति ये सारे कर्म करता है और ये उदाहरण इसलिए मैंने आपके सामने बिखेरे जिससे आप इस बात को समझें कि किस तरह से जाने अनजाने हम सब ये करने के दोषी हैं एक और उदाहरण के साथ मैं क्लोज करना चाहता हूँ ग्वालियर में एक विद्यालय है मिसल विद्यालय जहां पर मेरी पढ़ाई हुई थी मेरे बच्चों की भी पढ़ाई हुई थी बाद में मैंने वही नौकरी आरम्भ की वहाँ पर मैं जो तीन साल रहा तीनों साल एडमिशन मेरे हाथ में था सारे क्लासेस के फॉर्म मेरे पास जमा होते थे उसकी जांच मैं करता था एक बार नगर पालिका से एक आदमी आया उसने कहा कि सर मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहता हूं मैंने कहा जरा डेट ऑफ बर्थ दिखाओ तो उसने डेट ऑफ बर्थ दिखाया तो मैंने कहा कि भैया इस डेट ऑफ बर्थ पे एडमिशन नहीं हो सकता लोअर के में एडमिशन के लिए बच्चा तीन साल का तीन चार साल का कंप्लीट होना चाहिए उस समय जो भी हिसाब था तीन या चार कंप्लीट होना चाहिए था उसका जवाब था तुरंत सर पहले बता दिया होता तो चार साल का बनवा लाते मतलब बच्चे की बर्थ कब हुई है इससे कोई मतलब नहीं है एडमिशन के लिए जो भी डेट चाहिए हमारा वहां आ, हमारा दफ्तर है वहां हमारी चलती है और हम बनवा लाएंगे जो भी डेट आप चाहें वो डेट डाल के बनवा लाएंगे ये भी चोरी का एक रूप है झूठ है लेकिन चोरी का ही एक रूप भी माना जा सकता है सरकार ने डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर करने के लिए कुछ कारण बनाया है हम उसको ब्रेक करने में लगे हुए हैं तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जब प्रभु का वचन कहता है कि तू झूठ प्रभु का वचन जब कहता है कि तू खून न करना तू व्यभिचार न करना तू चोरी ना करना इन सब के पीछे कारण है लेकिन साढ़े तीन हजार साल पहले जब प्रभु ने नैतिक नियम दिए थे उसके बाद समाज इतना जटिल हो गया है समाज में जो प्रक्रियाएं हैं, वो इतनी जटिल हो गई हैं कि चोरी क्या है और धार्मिकता क्या है कई बार समझ में नहीं आता है इसीलिए मैंने इतने विस्तार से ये सारी बातें आपको समझाई कि कल को यदि आपकी मौसी कहती है कि अरे काहे को तू कल तो पैसा खर्च करता है कल को मैं ड्यूटी के बाद आऊंगी तो खींच लाऊंगी और यदि आपका चाचा कहता है कि अरे नालायक ये इतने सारे पेन खरीदने की क्या जरूरत थी कल को मैं जब दफ्तर से आऊंगा तो वहां जो स्टॉक है उसमें से खींच लाऊंगा तब इस बात को याद रखें चाचा खींचे या ना खींचे मौसी खींचे या ना खींचे आप जो प्रभु का वचन जानते हैं आपको ऐसी बातों में भागी नहीं लेना होना है क्योंकि आप प्रभु के वचन का उल्लंघन कर रहे हैं हो सके तो चाचा को बुद्धि उपदेश दे दें मौसी को बुद्धि उपदेश दे दें समय रहते यदि वो सुधर जाते हैं तो अच्छा है सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं बोलते हैं इन बातों को समझने के लिए याद रखें 21वीं शताब्दी में प्रैक्टिकल लाइफ बहुत जटिल बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है इसलिए फूक फूक के कदम रखना है हर बात को सोच समझ के करना है इन बातों को समझने के लिए प्रभु आपकी मदद करे प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है जय मसीह की